प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइबरों, आप लोग सभी दर्शनार्थियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है काम लोग। आज शनिवार का दिन है और आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान अष्टक करेंगे। सत्य सनातन संस्कृति, सत्य सनातन संस्कृति के उत्थान है दुनिया ब्लॉग, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आप इस ब्लॉग को आप भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से धर्म आस्था और संस्कृति को आगे बढ़ाने का यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पूजा पाठ का जो ये कल्चर हम आपको दिखा रहे हैं, सीखिए इसे, आपका साथ करिए। देव स्तुति में नित्य निमित्त लिप्त रहिए, जिससे कि आपकी गति अति। कूलर जरा सा उधर करो, डायरेक्शन बंद करो, थोड़ा देखो कूलर बंद करो। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी वर्णन, काशी दर्शन की महत्वपूर्ण उस पड़ाव पर हमारे यहाँ पर होम ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को सत्य सनातन संस्कृति से अवगत कराएंगे। पूजा पाठ का यह महत्वपूर्ण क्रम आप देखते रहें। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्तेजं फलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। धूप से आरती कीजिए, उसके बाद आप अगरबत्ती जो आती है धूप बत्ती, इससे भी एक बार आरती कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालीसा पाठ संग्रह। चालीसा पाठ संग्रह में हम देखेंगे कि आज कौन सा दिन है और किसकी उपासना करनी है। ये आप लोग को मालूम होगा, आज का दिन है शनिवार। क्या दिन है? शनिवार। आइए देखते हैं शनिवार के दिन क्या विशेष है। आज शनि भगवान का दिन है, हनुमान जी का दिन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्तेजं फलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरीसवर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं। वंदे विष्णुभयवहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भुवमि सहितं नमामि। आइए हम स्टार्ट करते हैं चालीसा पाठ संग्रह। महत्वपूर्ण चालीसा का वचन करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। चालीसा पाठ संग्रह में हम करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्तु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय, कादे मुह जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान कुनियत चातुर, राम काज करबे क्वातुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंग जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीयन लखन जीवाए, जिरी हर्ष उर लाए। राघुपति की नी बहुत बढ़ाए, तुम प्रिय भरत हई संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, असक श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को बीत कही सके कहाँ ते। तुम उपकार शुक्र भई किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब देख जाना। युक्सा जोजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाई, जल्दी लांग गए चरज नाही। ध्रुवम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप अंतेश समारोह आपे, तीनों लोग हाथ ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना सह रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संगठते हनुमान चुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सरस्वत करई संकट कटाई मिटाय सब पीरा जो सुमरह हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मैडेरा पौन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस। श्री रघुवीर भक्त हितकारी सुन लु जय प्रभु अरज हमारे नीच दिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त नहीं कोई ध्यान धरे शिव जी मन माही ब्रह्मेंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला सदा करो संतन प्रतिपाला दूत तुम्हार वीर हनुमाना जासु प्रभाव तीहू पुरजाना जब भुज दंड प्रचंड कृपाला रावण मारी सुरन प्रतिपाला तुम नाथ के साथ नाथ गोसाई दीनन के हो सदा सहाय ब्रह्मादिक तव पर न पावे सदाई तुम रोय अस गावे चारि वेद भरत है साखी तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुड़गावत शरद मन माही सुरपतिता को पार न पाही नाम तुम्हार ले जो कोई तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरम पारा चारु वेद जान ही पुकारा गणपति नाम तुम्हारो लिन्हा तिनको प्रथम पूज्य तुम किन ओ। शेष रटत नित नाम तुम्हारा मही को भार शीस पर धारा फूल समान हरित सो भारा पावन न कोई तुमरो पारा भरत नाम तुमरो उधारो तासो कभो रण में हारो नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा सुमिरत होत शत्रु करनासा लखन तुम्हारे आज्ञाकारी सदा करत संतन रखवारी ताते रण जीते नहीं कोई युद्ध जुरे यमू किन होई महालक्ष्मी धर अवतारा सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो घट सो प्रकट सो आई चाको देख चंद्र लजाई सो तुमरे नित पाँव पलोटत नमो निधि चरणन में लोटत सिद्ध अठारह मंगलकारी सो तुम पर जावे बलिहारी और जो अनेक प्रभुताई सो सीतापति तुम्हें बनाई इच्छा ते कोटिन संसारा रचत न लागत पल की बारा जो तुम्हरे चरणन चित गावे लावे ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। जय जय प्रभु ज्योति स्वरूपा निरूढ़ ब्रह्म अखंड अनूपा सत्य सत्य जय सत्रवत स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे सत्य सपत गौरी पति की नहीं तुम्हरे भक्ति ही सब सिद्धि दीन ही। सुनो राम तुम तात हमारे तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे तुम्हें देव कुल देव हमारे तुम गुरु देव प्राण के प्यारे जो कुछ हो सो तुम ही राजा जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे जय 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 दशरथ राज दुलारे ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जय जगपति भूपा धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हार हरत समतापा सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजी दुन दुभी शंख बजाया सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमारे तनमंधन। या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकट ताके उर होई आवागमन मिटे तिहि केला सत्य वचन माने शिव मेरा और आस मन में जो होई मन वांछित फल पावे सोई। तीनों काल ध्यान जो ल्यावे तुलसी दल और फूल चढ़ावे साग पत्र जो भोग लगावे सोनर सकल सिद्धता पावे अंत समय रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काहे श्री हरिदास कहे अरुगावे सो बैकुंठ धाम को।
सूत दिवस जो नेम कर पाठ करे चितलाए, हरिदास हरि कृपा से औसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े राम चरण चितलाए, जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए। जय सीताराम, जय जय। इसके उपरांत हम देव स्तुति करेंगे। देखते हैं कौन कौन से देवों की स्तुति हम करेंगे। गणपति वंदना में हम पढ़ेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणयम् शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यानमायु कामार्थसिद्धे वक्रतुंड महाकाय कूटी शुभ्र समप्रभा निर्वोगनम कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततम् मोदकम् प्रियम् निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्यजम्बुफलचारुभक्षणम उमाशुतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजम। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। दुक्लं ब्रह्म विचार सार परिमां माध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयतां जाड्यांधकारां पहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां पंडितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां 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 भोजवदनां मदनां मुझे सर्वदा सर्वदा स्माक सन्निधि सन्निधि क्रियाते। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भो दारुणम नौकंज लोचन कंज मुखकर कंजपत कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि सूचि नैमी जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खरदूषणम इदितिवदिति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहिरा चेहु मिले सेहु वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत सावरो ए भाति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुनित मन मंदिर चली। जय श्री राम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणन्ने त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गदेवी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीमित सेत जयतो स्वस्ते स्मृता मति मदीय शुभाम ददासी दरिद्राय सुख भय हारणी का तुदंत्या सर्व कारण कारणाय श्रद्धार्थ चित्त्या। देवी प्रसन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पार विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भृग्यान गम्यं वीन्द्रे विष्णु भैवव हरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से आप करिए। हम तिलक करने जा रहे हैं, चंदन रखेंगे, पीत वर्ण का चंदन, अष्टगंध चंदन आता है, इसको आपको रखना है। इसके बाद रोली लेनी है, रोली को भी रखना है। किस प्रकार से चंदन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद हम घिस के बनाएंगे अपना चंदन, घिसेंगे हम चंदन, इसी घिसना पे घिसेंगे और चंदन हम लगाएंगे मस्तक पे, देखिए कैसा चंदन होगा।
जब आपको पूरा सिंगल लगा के प्रोसेस दिखाते हैं, घिसते जाइए घिसते जाइए घिसते जाइए घिसते जाइए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में तो आप चंदन देखते हैं, यही चंदन घिस घिस के बनाया जाता है। दिन भर पुजारी लोग चंदन घिसते हैं, चंदन घिसने के बाद हमारे महादेव काशीपुराधीप पति को लगाते हैं, तो उसी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो चंदन बच जाता है लगाने से, उसको सुखा लिया जाता है और पैकेटों में बंद कर दिया जाता है, वही चंदन आपको प्राप्त होता है। प्रसाद स्वरूप जो भी भक्त होते हैं, भाग्यशाली भक्तों को चंदन यथा कदा कभी कभी हमारे गुरुदेव द्वारा दे दिया जाता है। तो ये चंदन मैंने प्राप्त किया था श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से भी, लेकिन मैं एक लाया हूँ हरिद्वार से चंदन का ये लकड़ी, और इसको मैं घिस के हालांकि मेरे पास श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भी चंदन है, वो भी मैं कभी कभी लगाता हूँ। आप ये चंदन की लकड़ी ऐसी ले सकते हैं, ये घिसना आता है पत्थर का, देखिए मैं घिस रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। मेहनत करनी होगी, चंदन टीका त्रिकुंड लगाना है, इसे देव स्थिति में आप लगे रहें। ये जो अष्टधातु चंदन आता है बहुत ही सेंटेड होता है, पीले रंग का अष्टगंधा चंदन टीका जो येलो वाला आता है, वो भी हम लगाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं वृंदावन में चंदन लगाया जाता है पीला चंदन, तो वो भी अष्टधातु चंदन होता है, वो भी हम लोग यहाँ काशी में लगाते हैं। चंदन लगाने की प्रथा है, शौक है, एक समर्पण है, हिंदू धर्म में लोग लगाते हैं चंदन। मस्तिष्क को बहुत ही कूल लगता है, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं ये लोग भी चंदन लगाते हैं। ये देखिए मैं चंदन घिसा है, बहुत गाढ़ा करेंगे अभी हम इसको, घिस घिस के गाढ़ा कर लेंगे। पूरा लगाया जाएगा, आपको मैं लगा के दिखाता हूँ चंदन कैसे लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं लगा। आज आप लाइव देख लीजिए मस्तक पर चंदना भी से कैसे करते हैं। इस तरीके से आप घिस के लगा लीजिए पूरा, आपके मस्तिष्क की शांति रहेगी, गर्मी में किसी प्रकार का बाधा नहीं रहेगी आपके मस्तिष्क में। देखिए शुद्ध चंदन है पूरा, एकदम घिस घिस के इसे पूरा पूरा लगा दीजिए, पूरा ये लग गया। अब इसके बाद एकदम सीधा ऐसे हाथ घुमाना, देखिए ये लग गया ना। अब देखिए इसको लगाने के बाद इसमें आपको दिखाता हूँ, सब लगा लूँगा तो मैं दिखाता हूँ, अभी लाइव ही चल रहा है, अभी मैं सारा चंदन जब लगा लूँगा तो आपको दिखाऊँगा। वो चंदन लगाने के बाद पीला चंदन हो जा रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा रहता है। अभी आप लोग लाइव जुड़ी रहिए, इसके बाद रोली का चंदन ही हम लगाएंगे। देखिए हमने पीला वाला लगाया है, अब हम रोली का लगाने जा रहे हैं, इसमें भी हम डाल देंगे जल थोड़ा सा।
जरूरी नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा। अच्छा मैं आज आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा किस प्रकार से चंदन का आता है अपीयरेंस। देखिए तिलक करने के बाद हम ब्लॉग पे आप देखते रहिए हमेशा पूजा पाठ के महत्वपूर्ण ब्लॉग्स को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तिलक लगाने के बाद कैसा कैसी काया हो जाती है सनातन संस्कृति। लाइव आप लोग जुड़े रहे, अभी मैं दिखाता हूँ चंदन लगाने के बाद कैसा इस तरीके से आपको चंदन लगाना है। मेरी कैमरा आपको उठा के दिखा दूँ, थोड़ी 5 मिनट तक दिखाना पड़ेगा ताकि थंबनेल बन जाए। ठीक है 5 मिनट तक पूरा देखा, 5-6 मिनट तक। अब देखिए मैंने कैसा चंदन लगाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैमरा मैन अब आपको दिखाएंगे, कैमरा लेकर वहाँ पे आइए सामने। मस्तक पे दिखाइए, ये देखिए सामने से, सामने से ये देखिए दर्शकों, देव स्थिति में नित्य निमित्त ध्यान में रहें और इस प्रकार से पूर्ण त्रिपूर्ण मस्तकाभिषेक चंदन लगाए और ये मल्यागिरी चंदन लगाए, लाल चंदन लगाए, हरिद्वार से चंदन लाए, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से चंदन लीजिए, खरीदिए बाहर से खरीदिए, जो भी है लकड़ी लीजिए चंदन की, घिसना आता है पत्थर का उससे घिसिए लगाइए। उसके बाद अष्ट धातु चंदन ये आता है, अष्टगंध है चंदन टीका पीले रंग का ये जो मैंने लगाया, इसके बाद लाल रंग की जो है इसमें रूरी है, रूरी लगाएंगे बीच में। इस तरीके से कलात्मक तरीके से चंदन लगाइए और हर एक चंदन की वस्तु को सुगंधित है और पूरा गर्मी में आपके माइंड को पूरा कूल करता है और संचारित करता है और आपके दिमाग को विकसित करेगा ये चंदन। शुद्ध लकड़ी का चंदन घिस कर जब लगाएंगे आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, कूल रहेगा, आप उन्नति करेंगे। बने रहे जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पर और इसी प्रकार की धर्म कर्म आस्था और सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग के इसी चैप्टर्स को देखते रहे। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज। शनिवार के दिन बजरंग बली की जाएगी।